नमस्कार, मैं रोहित मिश्रा आप सभी स्वागत करता हूँ मीडिया दरबार में। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है, तो जाहिर है कि राज्य में नई सरकार को चुनने के लिए चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश भी चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिए जा चुके हैं। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई उपचुनाव समय पर ही कराए जाएंगे और उन चुनावों से जुड़ी तारीखों का भी सही समय पर ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव इस कोरोना महामारी के आने के बाद पहला बड़े स्तर का चुनाव होगा। बिहार में चुनाव आते ही राजनीतिक दल बदल और लोगों को वोट देने के लिए जाने का खेल शुरू हो चुका है। जहां नेता टिकट या मनचाही सीट ना मिलने की सूरत में पार्टी बदल रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार भी तरह तरह की योजना निकाल कर जनता का रुझान अपनी ओर करने में लगी हुई है। शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को SC/ST के तहत चल रहे सभी मामलों को 20 सितंबर तक निपटाने का आदेश दिया है। उसके साथ ही अधिकारियों को SC/ST लोगों से जुड़े कई मामलों पर जल्द ही कानून लाने का आदेश भी दिया है। नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि SC/ST समाज के लोगों में किसी की भी हत्या होने पर उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकार द्वारा अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें अनुसूचित जाति एवं जनजाति रोकथाम कानून का पालन करने हेतु राज्य की सतर्कता एवं निगरानी समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान कही है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित कई क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद भी शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार कई जनप्रतिनिधियों ने SC/ST पर हुई इस बैठक में अपने सुझाव दिए हैं, साथ ही अपने सुझाव पर फौरन ही कार्रवाई करने की भी मांग की है। राशन कार्ड वितरण, दलितों के लिए आवास निर्माण, बिना जमीन वाले सभी दलित परिवारों को घर बनाने हेतु जमीन देना इत्यादि सुझाव बैठक के दौरान दिए गए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि DGP सभी थाना क्षेत्रों में लिखित केसों पर जल्द ही कार्रवाई करे। नीतीश कुमार ने दलितों के विकास की बात करते हुए कहा कि दलित समुदाय के कल्याण के लिए हर जरूरी कार्य किए जा रहे हैं। दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अन्य सभी योजनाओं और संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। दलितों के उत्थान से ही समाज का उत्थान होगा। लेकिन हत्या पर अनुकंपा क्यों? नीतीश कुमार ने जैसे ही हत्या होने पर दलित परिवारों को नौकरी देने का ऐलान किया, वैसे ही दलितों की स्वयंभू नेता मायावती मैदान में कूद गई। मायावती ने लगातार 2 ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार सरकार चुनाव से पहले दलितों को लालच दे रही, जबकि इतने समय से वो कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। नीतीश कुमार को दलितों के हित के लिए UP में बसपा सरकार के मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। मायावती और उनकी पार्टी भी कमाल करती है। अब तक मायावती निर्णय नहीं ले पाई है कि वो किसकी ओर है। एक ओर मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो NDA के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन बिहार में वो NDA की सरकार को ही कुंभकर्ण सरकार कह रही हैं। उधर नीतीश कुमार भी हत्या होने पर सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ दलित ही क्यों? एक घर में मुश्किलें हत्या होने से आती ही हैं, फिर चाहे परिवार दलित का हो या सवर्ण का। माना कि बिहार दलितों पर होने वाले अत्याचारों में आगे रहता है, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था ठीक करने के स्थान पर सरकारी नौकरी देकर दलितों का तुष्टिकरण करने में लगी है। और लगेगी भी क्यों नहीं, चुनाव निकट है और जनता के बीच कुछ तो लेकर जाना ही होगा। और चुनावी मौसम को समझने के लिए आपको नीतीश कुमार से अच्छा मौसम वैज्ञानिक नहीं मिल सकता है। नीतीश कुमार ये बात अच्छे से जानते हैं कि राजद दलितों को अपनी ओर करने में लगा हुआ है, इसलिए नीतीश कुमार भी कहीं से पीछे दिखना नहीं चाहते हैं। अब देखते हैं दलितों के जाने में राजद आगे रहती है या नीतीश कुमार की JDU। जनता समझदार है, खुद ही तय कर लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।